अमेरिका ने भारत से जीएसपी का दर्जा समाप्त किया तो पाकिस्तान ने ऐसे जश्न मनाया मानो ईद पर 300 रुपए किलो बिकने वाली खजूर मुफ्त में मिल गई हो। वैसे भी इस मुल्क की आदत है कि ये सुबह के खाने के बर्तन दूसरे दिन ही साफ करते हैं। ये अगले दिन तक इसी चक्कर में रहते हैं कि भारत से कोई चकचक करती खबर आएगी, बाद में खाना खाएंगे। यूं भी इस मुल्क के बासिंदों को आजकल दो वक्त का खाना नसीब ही हो रहा है। बर्तन खाली हैं और टन टन बज रहे हैं, पर असली टन टनाद तो मरियम और बिलावल 3 दिन के बाद पाकिस्तान में शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान की गद्दी पर जो नौसिखिया बैठा था उसे 9-2-11 करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस इमरान के पीछे 9 नंबर ऐसे हाथ धो के पड़ा है कि अब जनाब का नंगा होना तय है। 9 महीने की सरकार में 900 अरब रुपए का कर्ज लेकर इसने पाकिस्तानियों को नानी याद दिला दी है, जिसके लिए मरियम और बिलावल इसकी नुमाइश पर उतर आए हैं। पर कहने वाले तो यही कहते हैं कि बाजवा ही इमरान के बटन तोड़ ले जाना चाहता है। बाजवा को लग रहा है कि पाकिस्तानी जनता का पाक आर्मी से विश्वास खत्म होने लगा है। भारत से मिली बालाकोट की पिटाई, फिर भारत की एक ही धमकी में पायलट अभिनंदन की रिहाई का पाकिस्तानियों में नकारात्मक असर हुआ है। इसीलिए बाजवा इमरान की पतलून काटकर उसका कच्छा बनवाकर खुद पाकिस्तान में घूमने की फिराक में है। बड़ी बात यह है कि मरियम और बिलावल नाम के दो प्यादे उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इमरान भी पाकिस्तान के लिए भीख मांग मांग कर बुढ़ापा पा गया है, जिससे बाजवा को एहसास हो चुका है लड़का काम का नहीं निकला। इसने तो पूरे पाकिस्तान को ही नंगा करके रख दिया है। जिस वक्त इमरान खान OIC के मुशायरे में ढोलक की थाप पर नाच रहे थे, पाकिस्तान में अलग ही गान हो रहा था। बताया जाता है इसी दौरान कुछ गुप्त मुलाकातें बाजवा और बिलावल के बीच हुई है, जिसमें देश के हालातों की चर्चा की गई। साफ है जिस प्रकार बिलावल मरियम ने इमरान की सरकार के खिलाफ आर पार करने का उद्घोष किया है, बाजवा इसी मुलाकात में इमरान के तख्त पलट की जमीन तैयार कर रहे हैं। संभवतः तख्त पलट की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में भी योजना पर बात हुई है। इमरान को एहसास हो चुका है कि उसकी खाट के पाए निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसीलिए इमरान खान पाकिस्तानियों में छवि बचाने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। कल तक शांति का राग अलापने वाला ये भिखारी आजम कश्मीर और आतंकवाद को परिभाषित करने के जुमले गढ़ रहा है, पर यह नाकाफी है। सेना इससे 4 कदम आगे है। जिस वजीरिस्तान में इमरान खान को झोली भरकर वोट मिला था, सेना ने वहीं पर निर्दोष पश्तूनों पर जुल्म तेज कर दिया है। यह इमरान खान की राजनीतिक जमीन को कमजोर करने की चाल है। वजीरिस्तान से सांसद अली वजीर, जो इमरान के नजदीकी माने जाते हैं, उनकी ठुकाई भी शुरू हो चुकी है। केवल मामला यहां तक नहीं है, यह पाकिस्तान आर्मी की तख्त पलट की रणनीति का हिस्सा होता है कि जब वह पाकिस्तान में चुने गए प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करती है, पहले उसकी जनता में लोकप्रियता को ही समाप्त किया जाता है। इसमें से आधा काम तो इमरान खान ने उल्टे सीधे निर्णय लेकर खुद कर रखा है, बाकी बाजवा कर रहा है। साथ में बिलावल और मरियम उसकी बगल में खड़े हैं। बड़ी बात यह है कि बाजवा नवाज शरीफ के बेहद खास हैं। पाकिस्तानी तो यही कहते हैं कि बाजवा आज शरीफ की बदौलत ही जनरल के पद पर हैं। शायद इसीलिए ये बाजवा इमरान की बैंड बजाकर नवाज शरीफ के एहसानों को उतारना चाहते हैं। मतलब इमरान खान के दिन लद चुके हैं। वैसे पाकिस्तान का इतिहास है कि इस देश में ज्यादा दिन लोकतांत्रिक सरकार नहीं चलती है। यह तख्त नहीं तख्त पलट वाला देश है। इस मुल्क के सारे काम ही उल्टे हैं, या तो जिस तवे पर रोटियां सेकते हैं वही उल्टा है, फिर सरकार कैसे सीधी चलेगी। इमरान खान के जनाजे में 4 चांद लगाने के लिए मरियम पिछले हफ्ते से जिस प्रकार मुखर हुई है, और बिलावल रेल से घूमकर जनता के मन की टोह लेकर आए हैं, वह बाजवा के साथ तिकड़ी का परिणाम है। पर इसके लिए इमरान दोषी नहीं है। नवाज शरीफ के बाद शायद इमरान खान दूसरा प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान की भलाई के लिए दिल से सोचा है। हालांकि इमरान खान ने जो फैसले लिए वह पाकिस्तानी जनता के अनुरूप कारगर नहीं रहे, पर उनमें इमरान खान की ईमानदारी जरूर दिखाई देती है। इमरान खान पूरी तरह गलत है, यह सही नहीं है। इस देश की शासन प्रणाली में सेना का हस्तक्षेप इस देश की हालत का जिम्मेदार है। यहाँ सरकार चुनकर तो बन जाती है, पर उनकी लगाम सेना के हाथ में ही रहती है। पाकिस्तानी सरकारें देश और दुनिया की व्यवस्था के अनुरूप फैसले भी लेती है, मगर पाकिस्तान सेना उन्हें अपने नफे नुकसान के हिसाब से क्रियान्वयन करती है। शायद आतंकवाद को सख्ती से कुचलने का इमरान खान का फैसला भी उनके तख्त पलट का कारण बन रहा है। पिछले महीने से उन्होंने जिस प्रकार आतंकवाद पर नकेल कसी है तथा जमात-उद-दावा और जैसे मोहम्मद के आतंकियों पर कार्रवाई की है, उससे आतंकवादियों में हड़कंप भी है और गुस्सा भी। इन संगठनों की मदद करने वाले प्रभावी लोग सेना पर अपना दबाव बनाने लगे हैं,
जिससे इमरान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। संभव है जून के महीने की गर्मी का कहर पाकिस्तान में कहर बनकर टूटे, मगर इतना तय है कि इमरान सरकार का वक्त अभी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इमरान खुद इस सरकार को अल्पमत में लाकर चले जाएंगे या फिर पाकिस्तान के इदारों पर फिर से सेना के जवान दीवारें फांदकर कब्जा करेंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।